नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम की सौजन्य से वर्चुअल शिलान्यास व उद्घाटन समारोह के दौरान मंडी जिला में आज 109 करोड़ रुपए के लोकार्पण व शिलान्यास किए गए, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए के शिलान्यास व लोकार्पण नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए। नाचन विधायक विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नाचन की जनता को अब स्वच्छ पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमने बग्गी नहर से 30 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। वहीं इस पर पेयजल योजना के शुरू होने से नाचन की 11 पंचायतों की लगभग 20,000 लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। वहीं देव भंग रोह पेयजल योजना का शिलान्यास भी हो गया है, जिसमें गौहर बाहल्डी और देलंग टिकरी के लिए स्वच्छ पानी के लिए लगभग 2.60 करोड़ की लागत से रैपिड सैंड फिल्टर बनाया जाएगा, ताकि भारी बरसात के दिनों में भी यहां की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से नाचन के 309 पात्र परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत करवाए गए हैं। वहीं आज हमने 188 पात्र परिवारों के लिए यह घर आवंटित भी कर दिए हैं। आज हमने मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से नाचन में चहुमुखी विकास करवाया है और यह विकास निरंतर आगे भी होता रहेगा। विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से नाचन विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे 6 शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं, वर्चुअली हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि पूरे जिला मंडी में लगभग 109 करोड़ रुपए के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं और उनमें से लगभग 60 करोड़ के अकेले नाचन विधानसभा क्षेत्र के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम आज हुए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस शिलान्यास उद्घाटन में मैं जो दो आज इसमें प्रमुख रूप से जो विशेष चीजें रही है, नंबर एक तो हमने नहर से उठाऊ सिंचाई योजना, उठाऊ पेयजल योजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर शिलान्यास किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि नहर से लोगों को पीने का पानी दिया जाएगा और लगभग 11 पंचायतों की लगभग 20,000 लोगों को उस स्कीम का सीधे तौर पर लाभ होने वाला है। और मैं समझता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत गोहर दिल्लग और बालड़ी के कार्यकर्ताओं की हमेशा ही एक डिमांड रहती थी कि जब भी बारिश होती थी तो वहां पर पानी, लोगों को पीने का जो पानी है वो निश्चित तौर पर खराब होता था, जिसके कारण लोग बीमार होते थे, लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से देव भंगरो स्कीम का भी आज विधिवत शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया है और उस पानी को बेहतर करने के लिए 2,60,00,000 रुपए की लागत से रैपिड सैंड फिल्टर जो है वहां पे लगाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इन पंचायतों में भी स्वच्छ पीने का पानी लोगों को मिले। ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा। एक विशेष बात मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाचन विधानसभा क्षेत्र को 350 नए घर भी दिए हैं। 350 घरों की सैंक्शन आज हमें मिल चुकी है और 350 घरों में से 188 घर हमने गोहर ब्लॉक के उन कार्यकर्ताओं को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था, घर की दिक्कत थी। आज उनको भी घर देने का काम, घरों की सैंक्शन देने का काम हमने मान। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।